10th क्लास सुप्रभातम तीसरा चैप्टर स्वराष्ट्र गौरव इसका छठा श्लोक देखिए। इससे पहले आपको पीडीएफ में इसके नोट्स भेजे जा चुके हैं। वीडियो देखते समय आप नोट्स को सामने रख करके इसके व्याकरण को और देख लीजिए और पुस्तक में अन्वय लिखा हुआ है श्लोक का, इसलिए उसके अन्वय को भी देखिए। तो अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका तथापि न मे रोचते लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते। रोचते रुच धातु लक लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में, रुच धातु के युग में चतुर्थी व्यक्ति होता है इसलिए में का मतलब मुझे और ये अस्मत् शब्द के चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप बनता है मह्यम के बराबर, मह्यम कहो या में कहो। हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं है, क्योंकि जननी माता और जन्म भूमिश्च और मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी स्वर्ग से भी श्रेष्ठा होती है। फिर से देखो अन्वय की दृष्टि से, हे लक्ष्मण सोने की होते हुए भी लंका मुझे प्रिय नहीं है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठा होती है। सातवें श्लोक पर आकर देखो, सातवां श्लोक राष्ट्र दृष्टिम नमस्याम राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। राष्ट्र मंगल कारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्याम, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम सब नमस्कार करेंगे, यानी जो जिन लोगों की दृष्टि राष्ट्र के मंगल के लिए ही होती है, तात्पर्य कि जो राष्ट्र मंगल के लिए राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचते हैं हम सब उन्हें नमस्कार करेंगे, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करेंगे। यया विना, बिना योगे तृतीय विभक्ति, जिसके बिना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देखते हैं। राष्ट्र हमारे पास है, राष्ट्र के सुख वैभव से हमारा लगाव है, फिर भी हम उस राष्ट्र के साथ जुड़ नहीं पाते। राष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए उचित है कि हमारे पास राष्ट्र दृष्टि भी होनी चाहिए, इसलिए कवि कहता है राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र मंगल कारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। यया विना, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देखते हैं, इसलिए हमें राष्ट्र दृष्टि रखनी चाहिए। धन्यवाद।